Hello students, assalamu alaikum. I am Sir Munawar, your maths teachers. I hope you are fine. Now we discussion about the chapter number 6, exercise 6.8. Solutions of quadratic equation by the quadratic formula. Now we discussion about the exercise 6.8 quadratic formula and quadratic equation. Okay, now we discussion about the quadratic equation and the quadratic formula. तो ये हमारे पास आज की टॉपिक्स जिसके बारे में हम डिस्कशंस करने वाले हैं वो है चैप्टर्स नंबर आपके पास 8, 6 एक्सरसाइज 6.8 यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके मुताबिक हम सॉल्यूशन जो आज का हमारा लेक्चर है उस एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज यहाँ अगर अदरवाइज आप इस तरीके से भी कहते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड रिलेशन बिटवीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ये चैप्टर एक्सरसाइज जो है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ये एक्सरसाइज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है यानी इसमें से एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। और दूसरी चीज इनमें से हमारे पास एक दो एमसीक्यूज भी होते हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं वो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिहाज से या क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक। उनमें से भी हमारे पास एक दो एमसीक्यूज वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज हम थोड़े से डिस्कशंस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है उसको किस तरीके से शो किया जाता है हमें और उसकी वैल्यूज जो है आपके पास वो किस तरीके से इंडिकेशंस की जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है हमारे पास वर्ड यूज हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इक्वेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि इक्वेशंस क्या होती है क्योंकि यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी देना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहचान सके जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या ये इक्वेशंस आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशंस के लिए आपके पास टू साइड्स होना लाजमी है यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का होना बहुत जरूरी होता है हमारे पास क्योंकि इक्वेशंस इज डिपेंड अपॉन टू साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स। ओके राइट, नाउ अ डिस्कशन अबाउट द इक्वेशंस। इक्वेशंस में देखिए आपके पास टू साइड्स जिस तरीके से यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो। अब देखिए टू साइड्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या है जीरो यानी इसी टर्म्स में यानी इसी कंडीशंस में होगा तो उसको हम कहते हैं इक्वेशंस। जरूरी नहीं यहाँ पर जीरो की जगह पर कोई नंबर भी हो सकता है टू थ्री फोर कोई भी हो यानी टू साइड्स होना बहुत जरूरी होता है किसी भी इक्वेशन को शो करने के लिए के दो साइडों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो और बीच में इक्वल की साइन हो यानी कोई और साइन हो लेस देन या ग्रेटर देन या ऐसी कोई कंडीशंस हो यानी टू साइड्स शो हो तो वो कंडीशन में आप कह सकते हैं कि आपके पास इक्वेशंस हैं। ओके राइट, ये थी हम इक्वेशंस की बात कर रहे थे कि इसको हम इक्वेशंस कहते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला वो थोड़ी सी अलग सी कंडीशन में होता है जिस तरीके से ये देखें एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई 2a ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एग्जाम में आपके पास एमसीक्यूज में किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे देगा इसकी साइन एक्सचेंज कर देगा प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसी तरीके से दे देगा या a को b की जगह पर रखेगा b को a की जगह पर रख देगा तो ये आपके पास आंसर में आ सकता है। ठीक है, तो आप नोट कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपके पास यही स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही आपके इंडिकेशंस करता है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नोट कर लेना सिर्फ इसी चीज को कि ये चीज आपकी इंडिकेशंस कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है ए एक्स स्क्वायर ये नोट कर लेना ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कहें या जनरल फॉर्म कहें तो वो उसको हम इसी तरीके से शो आउट करते हैं ये आपके पास उसी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो। नोट कर लेना इस पॉइंट को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है आपके पास वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल जीरो। दिस फॉर्म इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसमें जितनी साइन यूज हो रही है वो सब के सब पॉजिटिव है और स्क्वायर टर्म्स के साथ ए और जिसके ऊपर पावर बी यानी सेकेंड जो वेरिएबल है आपके पास बी उसका कोएफिशिएंट और सी के साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होगा तो वो आप शो आउट करता है
आपके पास, यानी सी की वैल्यू को, ओके राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखिए ए बी सी आपके पास मौजूद है, तो यानी इनका मकसद है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू तब फाइंड करेंगे जब आपके पास ए बी एंड सी की वैल्यू जो है वो आपके पास मौजूद होगी, तो उसमें फीड करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा, जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, वो आपको इंडिकेशंस करेगा द वैल्यू ऑफ द एक्स, वो वैल्यू आपकी एक्स की है, ओके राइट। नाउ डिस्कशन, अच्छा वैल्यू फार्मूले को सॉल्व करने यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि वहां से ही हम इक्वेशन में से ही क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो नंबर्स की वैल्यूज हैं वहीं से उठाते हैं, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है इसी एक्सरसाइज का जो हेडिंग है, उसकी मेन पॉइंट्स है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला उस चीज को हम क्या करते हैं, इंडिकेशंस की तरह उसको हम शो आउट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले कंडीशन में आ गया, सही है। तो ये हम जिसके बारे में डिस्कशंस कर रहे थे ये चीज थी। अब देखिए उसकी ए बी एंड सी की वैल्यू जो है हम किस तरीके से टेकअप करते हैं, किस तरीके से हम उठाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ए कोएफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर वाला जो टर्म्स आपके पास मौजूद है उसका कोएफिशिएंट जो होगा आपके पास वो इंडिकेशंस करता है आपके पास यानी ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू वो वैल्यूज होगी जहां पर आपके पास जिसके ऊपर पावर वन हो और उसके कोएफिशिएंट को बी की वैल्यू काउंटेबल किया जाए, जिसके साथ कोई वेरिएबल्स मौजूद न हो यानी कांस्टेंट फॉर्म में हो, तो वो वैल्यू किसकी होगी आपके पास, सी की वैल्यू मौजूद होगी। तो इसी तरीके से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू आप टेकअप कर सकते हैं के उठा के फिर आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के बनाए, जैसे ए की वैल्यू बी की वैल्यू पहचाने, उसके बाद हम जैसे प्रॉब्लम पर आ जाएं तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम ना हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है 2x² - 7x + 6 = 0, ये है आपके पास एक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से देखिए आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू किस तरीके से टेकअप करते हैं हम, ठीक है। मैंने कहा था यही क्वेश्चंस में कि जिस वेरिएबल्स के ऊपर पावर स्क्वायर, स्क्वायर वाला जो टर्म्स है आपके पास उसका कोएफिशिएंट इज द वैल्यू ऑफ ए यानी ए की वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू इंडिकेशन कर रहा है इक्वेशंस में, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 2। उसके बाद क्या है, बी की वैल्यू -7 क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है, मैंने कहा था जिस वेरिएबल्स के ऊपर पावर 1 हो यानी सिंगल एलिमेंट्स हो, ठीक है वेरिएबल्स हो, तो उसके कोएफिशिएंट को हम बी की वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जिसके साथ कोई वेरिएबल्स मौजूद नहीं हो तो वो वैल्यू आपके पास इंडिकेशंस करती है दिस वैल्यू इज शो बाय द सी, तो वो आपके पास सी की वैल्यू इंक्लूडेड होगी, ओके राइट। तो इस तरीके से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आप टेकअप करेंगे और उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आ जाए अब हम डिस्कशंस करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम उठाते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओके राइट। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2x² - 7x + 6 = 0, जैसे मैंने एग्जांपल में अभी आप लोगों को वैल्यूज बताई थी वही क्वेश्चन उठा के मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले मुताबिक सॉल्व कर रहा हूं। अब इसको कहते हैं सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला मुताबिक सिंपलीफाई करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आपके पास, आपको क्या करना है, पेपर में भी इसी जो मेथड में अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ इसी मेथड के साथ आपको पेपर भी यानी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखे 2x² - 7x + 6 = 0, ठीक है। तो और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a, ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पर a और b और c की वैल्यू कहाँ से आई, किस तरीके से आई, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आ जाए a की वैल्यू, इक्वेशन में से a b एंड c की वैल्यू उठाया, मैंने कहा जिस वेरिएबल के साथ जो स्क्वायर वाला टर्म्स वेरिएबल्स हैं उसका कोएफिशिएंट a की वैल्यू हो गए, और सिंगल वेरिएबल्स यानी जिसके ऊपर पावर 1 मौजूद हो तो उसका कोएफिशिएंट b की वैल्यू है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल्स मौजूद नहीं है तो वो आपके पास c की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू आपके पास a = 2 एंड b = -7, देखो साइन इसके साथ कनेक्टेड कंसर्न होगी, और c की वैल्यू आपके पास क्या है 6,
अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है, अब वैल्यू क्या करेंगे फार्मूले में पुट करेंगे, सेंस एक्स इज इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो ये फार्मूला आपके पास, अब इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे, अब बी की जगह पर बी की वैल्यू रखेंगे, ए की जगह पर ए की, सी की जगह पर सी की वैल्यू। अब देखिए क्या है, माइनस बी, माइनस तो फार्मूले की वो लगाई, और बी की वैल्यू क्या है माइनस सेवन, माइनस एक फार्मूले की है, दूसरी माइनस उसकी अपनी बी की वैल्यू की जो थी वो माइनस सेवन, वो माइनस इसमें लग दिया, प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी की वैल्यू माइनस सी इसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है, माइनस फोर टू माइनस फोर ए बी, ए की जगह पर टू और बी की जगह पर सिक्स, सी की जगह पर सॉरी सिक्स डिवाइडेड बाय टू ए, ए की जगह पर आपने क्या रखा टू रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के सेवन, प्लस माइनस आपने सेम रखा, अब माइनस सेवन को टू टाइम मल्टीप्लाई करें, माइनस सेवन को टू टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, सेवन सेवन साफ 49, उसके बाद माइनस माइनस सेम लगाया आपने, ठीक है, उसके बाद फोर टू सा एट, एट ये तीनों टर्म्स क्या हो रहे हैं आपके पास, नंबर जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि टर्म तो एक ही काउंटेबल होता है मल्टीप्लीकेशन में, फोर को टू के साथ मल्टीप्लाई, फोर टू सा एट, एट को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 648, ठीक है, एट सिक्स 48 आपके पास, तो आपने क्या किया डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4 लिखा। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के बीच अंदर में जो नंबर है आपके पास इनसाइड, इनको प्लस या माइनस, माइनस है तो माइनस करना है, ठीक है, 7 आपने सेम रखे, देखिए 49 में से 48 चले जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 सेम। अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट, यानी 1 के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर रूट को क्या करेंगे हम हटाने की कोशिश करेंगे, तो वन ऐसा आपके पास डिजिट होता है, वन का स्क्वायर रूट क्या होगा वन ही होगा, वन ऐसा डिजिट है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाए, जीरो लगाए, जितना चाहे पावर लगाए तो उसका आंसर क्या आता है वो ही वन ही आता है, वन ऐसी आइडेंटिटी है, वो नंबर है, वो डिजिट है आपके पास जिसके ऊपर जितना पावर लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही टू वन ही आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वन के ऊपर पावर आप जीरो लगा दें आंसर क्या आएगा वन ही आएगा, अगर वन के ऊपर पावर आप थाउजेंड लगा दें तो आंसर क्या आएगा वही वन आएगा, वन के ऊपर पावर फाइव लगा दें आंसर वन आएंगे, फाइव को वन को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करें, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, तो वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन वन जा वन, देन आंसर विल बी वन, तो वन के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं, पावर वन लगाएं, पावर जीरो लगाएं, पावर जितना चाहे लगाएं तो आंसर क्या आएगा वही वन ही आएगा, तो वन का स्क्वायर रूट क्या होगा वन होगा। अब हम हमारे पास यहां पर आंसर में आ गया सेवन प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर, अब आपके पास टू टर्म्स आ गए क्यू प्लस माइनस, यानी ये जो टर्म्स है आपके पास आंसर तो ये टू टर्म्स में डिवाइड होगा, क्यों होगा क्योंकि प्लस माइनस, यानी प्लस का भी है और माइनस का भी ये टर्म इंडिकेशन हो रहा है आपके पास, तो आप क्या करेंगे x इज इक्वल एक टर्म प्लस में वन रखोगे और दूसरा माइनस में रखेंगे, यानी x इज इक्वल सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर एंड x इज इक्वल सेवन माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर। अब आ जाए इनको सॉल्व करें, सेवन प्लस वन कितने हो जाएंगे एट डिवाइड में फोर सेम, एट को फोर के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास टू, तो ये इसका आंसर। सेकंड कंडीशन में आ जाए पार्ट में सेवन माइनस वन, सेवन में सेवन चला जाएगा तो आंसर आएगा सिक्स डिवाइडेड बाय फोर, अब सिक्स और फोर पर कौन सी टेबल आप यूज कर रहे हैं टू की टेबल, थ्री टू जा सिक्स एंड टू टू जा फोर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास थ्री डिवाइडेड बाय टू। अब देखें एक्स की वैल्यू आपके पास टू टू टाइप्स आए, यानी टू टर्म्स में आए, तो उसमें आप क्या करेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स, यानी एक्स की टू टर्म्स वैल्यूज है एक टू है और दूसरी वैल्यूज आपके पास थ्री डिवाइडेड बाय टू, तो इसको ब्रेकेस मिडिल ब्रेकेस में बंद करके रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा आंसर। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको दो टर्म्स याद रखने, एक आप फाइंड करने आ जाए, एक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने आ जाए, दूसरा फार्मूला याद हो उसमें वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के बाद सॉल्व करें तो आपके पास ए और एक्स की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, इसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू भी है, एक और मैं थोड़ा सा अगर समझ में नहीं भी आई हो जो चीज तो इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझे और इसको अगेन आप खुद करने की कोशिश करें तो ये चीज और भी आपको आसान समझ में आए। अभी और क्वेश्चन भी है हमारे पास, उसको भी सॉल्व करते हैं और जितनी पॉइंट्स आती और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास, देखें वाई स्क्वायर माइनस
y square minus y minus 56 is equal 0. ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अब इसमें भी वही कंडीशन में फर्स्ट में आपने इक्वेशन क्वेश्चन वही उतारा आपने सॉल्यूशन बाद, उसके बाद फार्मूला लिखना है, कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात हो रही है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हम लिखेंगे, हमने वो लिखा। उसके बाद ए बी एंड सी की वैल्यू आपको फाइंड करने आ जाए, जो मैंने कहा उठाना आ जाए, वो कहां से उठाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से उठाते हैं। अब स्क्वायर वाला टर्म उसकी वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू इंडिकेशन करते हैं स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट, और बी की वैल्यू सिंगल वैल्यू वेरिएबल जो है उसकी कोएफिशिएंट को इंडिकेशन करता है, और सी करता है जिसके साथ कोई वेरिएबल्स मौजूद नहीं हो तो वो वैल्यू सी को इंडिकेशन करती है। ठीक है, तो ए की वैल्यू उसके देखिए कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो क्या वन समझा जाएगा आपके पास, तो ए की वैल्यू वन होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी, इसके आगे भी कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो वन समझा जाएगा, वन हो गए, और सी की वैल्यू क्या है माइनस 56 वैल्यू है आपके पास सी की। ठीक है, अच्छा इस फार्मूले में भी पुट करें, फार्मूला आपने लिखा एक्स इज इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आपके पास क्या है फार्मूला है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करें, माइनस सेम लगाए, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर, बी की जगह पर माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि फोर कॉन्स्टेंट 4ac, ए की जगह पर वन, सी की जगह पर माइनस 56 डिवाइडेड बाय 2a, ए की जगह पर वन आपने पुट कर दिया, सेम ओके राइट। अब माइनस माइनस प्लस वन सेम आपने रखा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन, अब देखो इनको नंबर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर वन सा फोर, फोर को 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 224, ठीक है 224 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, प्लस वन आपने वन रखा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन प्लस 224 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 225, यानी 225 आंसर आ जाएगा। अब 225 किसका स्क्वायर रूट है 15, स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी जो आपके पास आउट नंबर हो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें वो स्क्वायर रूट वाला जो उसके अंदर नंबर है वो आ जाए। अब 225 को स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास 15 क्या है, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 225। ठीक है, तो अब देखिए इसमें प्लस माइनस है तो इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव दूसरा आपके पास नेगेटिव। अब 1 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8। उसके बाद 15 में से आप माइनस 1 करेंगे क्योंकि ये प्लस 1 माइनस 15, तो 15 में से 1 चला जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे 14 डिवाइडेड बाय 2। अब 14 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 7 क्योंकि माइनस यहां पर आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक 8 और दूसरी माइनस 7, तो सॉल्यूशन सेट। एस एस का मतलब क्या होता है, एस एस का मतलब है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू ए की 8 और दूसरी वैल्यू माइनस 8। तो ये था हमारे पास आज की क्लास, आज के लेक्चर, आज की टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक फार्मूले की वैल्यू कैसे उठाते हैं और पुट करने के बाद किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो अभी हमने सीखा उसी को आप थोड़ा सा और खुद प्रिपरेशन करें, अच्छी तरीके से समझें, समझ के इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही दो तीन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर कहीं पर आप फंस जाते हैं, कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो वीडियो तो आपके पास सामने ही होगा, उसको फिर से आप ऑन करेंगे, ठीक है चलाएंगे, तो उसमें जहां पर आपको कंफ्यूजिंग हो रही थी वहां पर वो पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी। जब यही क्वेश्चन आप खुद करेंगे 100% हो जाए, उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है 9, 10, ये 3 से लेकर 10 तक आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये खुद करें उनमें से, फिर देखें वो स्लो स्लो आपको 100% वो आंसर उनके आप राइट कर निकालेंगे। पहले आप एक्सरसाइज को छोड़ के जो अभी आपने लेक्चर अटेंड किया उस क्वेश्चन को क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इसमें आपके पास लेक्चर भी होगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपके पास मौजूद होगा, किसी टाइम भी आप सुन सकते हो देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें जहां जहां आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रहा है तो वो प्रॉब्लम इस वीडियो की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद कोई और प्रॉब्लम उठा के अपनी तरफ से उस फार्मूले में के मुताबिक सॉल्व करें तो वो आपके पास 100% आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो
प्रॉब्लम्स थी, जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे थे, जहां पर आप अटक रहे थे, वो पॉइंट्स आपकी क्लियर हो जाएगी, तो आपको किसी चीज का कोई यानी परेशानी यानी हार्डवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कोशिश करें मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मैथमेटिक्स वाइज ऐसा सब्जेक्ट है जो डिपेंड करता है सेल्फ स्टडी पर, सेल्फ स्टडी। जो टीचर होते हैं या कोई और दोस्त होता है, जो हो ट्यूटर होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे हमारी हेल्प के लिए होते हैं। वो हमारे पास अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से, जब हम खुद करते हैं तो फिर मुश्किल बन जाते हैं। क्यों मुश्किल बन जाते हैं? क्योंकि देखने से चीजें हासिल हो जाती हैं, पर उसको सॉल्व करने से और ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें ये जितने क्वेश्चन से खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जैसे आगे जाके आपको ये एक अच्छी से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कोशिश करके ये आप जल्दी जल्दी से करेंगे, जिससे आपका टाइम बच जाए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप वो टाइम वेस्ट करें। तो कोशिश करें ये वीडियो सही तरीके से देखें, सुने और किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे आगे जाके आपको कोई मसला क्रिएटेड ना हो। तो ये वीडियोस लाजमी देखें इसको, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें कि आप कहाँ कहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो रही है, तो वो भी अगर इस वीडियो की मदद से हासिल और कर सकते हैं एजुकेशन, तो ये सबके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। यह था आज का हमारा लेक्चर्स, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इक्वेशन क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, ये आपने अभी अभी समझ लिया, देख लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल दूसरे हम लेक्चर्स पॉइंट्स के साथ आएंगे, लेक्चर उठा के आएंगे, वो जो इम्पोर्टेंस होगी हमारे पास बोर्ड के एग्जाम के मुताबिक। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपरेशन करें। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो लेक्चर्स आपने अटेंड किया है, इसको सही तरीके से खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें, ठीक है, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।